वी वर एक्सपेक्टिंग कि तुम कुछ और बेटर करोगे जो तुमने किया वो टाइम. बच्चों, गीता, यू हैव टू से समथिंग. सर, आई जस्ट फील यहाँ पे नहीं करते आज. मतलब ठीक है, एक्चुअली बच्चों की वाट हमसे लगती है. तो आपने देखा होगा. मस्ती तो ये करते रहेंगे, धमाल डांसिंग से आ जाएगा. और बाकी एक्चुअली ये जो आप लोगों ने आज प्रोमो देखा है ग्रैंड प्रीमियर का, आई थिंक वो हमने भी पहली बार देखा है आज. एंड आई एम ओवरवेल्म्ड. अगर इस तरह से एपिसोड बन गया, हमको तो पता ही नहीं चला कैसे बन गया, लेकिन अगर ये एपिसोड है तो आई थिंक यू गॉट अ रॉकिंग सीजन अहेड. बेटा आपको तो यू नो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट. ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखना. आई थिंक इस सीजन में सबसे कम बच्चे रोए. नॉर्मली जब आप उनको बोलते हो कि आप इस सीजन में सिलेक्ट नहीं हुए हो और आप अगले सीजन में ट्राई करो, मोस्ट ऑफ देम सेड हाँ ठीक है, विल ट्राई नेक्स्ट ईयर. सो फॉर अस आई थिंक दैट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. करेक्ट, टॉलरेट नहीं कर रहे हैं हम, रोज एक नया एक्सपीरियंस झेल रहे हैं. क्योंकि ये आते हैं और हमको यहाँ तक बोला गया है कि पूरा डांस देखना, बीच में काटना नहीं, क्योंकि एंड में मेरा एक मरने का सीन है, वो मैं करना चाहता हूँ. दिस इज सचिन चौधरी, यू रिमेम्बर? हाँ. तो एवरी डे यू कम प्रिपेयर्ड कि कल उसने ये बोला था तो आज हम जवाब ये लेके जाएंगे. उस दिन कुछ और होता है. सो इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे. मैं एक्चुअली आई वॉज नॉट श्योर कि कैसे, व्हेन आई फर्स्ट डिड सुपर मॉम्स, एक छोटा सा हम लोगों ने सीजन किया था, एंड तब मैं श्योर नहीं थी कि कैसे ये रिएक्ट करेंगे. ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट हिम एज माय सीनियर इन दिस फील्ड. ही इज डन मच मोर देन मी इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी, बट ही इज मेड मी एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल एंड नाउ आई एम एट होम अगेन. पहले हम हमारी टीम से मिलाते हैं. मैं हूँ राहुल, ये है पॉल, राजवी, अद्विका, सचिन, सजविन, और ये है हमारे राहुल पॉल के बोले तो एकदम. हाँ, मस्ती तो होती रहती है बच्चों के साथ, पर जो बच्चे हमें मिले हैं वो बाय गॉड में कह रहा हूँ, ये बच्चे ढूंढ ढूंढ के निकाले. डांसिंग का पता नहीं, चबड़ चबड़ पूरा टाइम चालू रहता है. जैसे कि हमारे ग्रुप में सदविन है जो हमेशा हाथों पे रहता है, पैरों पे बहुत कम रहता है, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं, इनके क्या चबड़ नहीं गिर गई. एक ये है सचिन, ये है जो सिर्फ शायरी बोलते रहता है, डांस करेगा बट शायरी के साथ. एक है राजी जैसे स्माइल करते रहती है. अरे की अद्विका जो क्या बोलती समझ दुखता है, कभी कुछ समझता नहीं क्या बोलती है, और पूरा टाइम हमारे ऊपर रहते हैं. देखो कुछ नसीब हो बादल जो दूर रहकर भी जमीन पे बरसता है, कुछ नसीब हो बादल जो दूर रहकर भी जमीन पे बरसता है, और एक बदनसीब हम लोग जो पास आकर भी मिलने को तरसते हैं. अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, दादाजी.